अंदर हाफ कप मैदा लिया है, 1/4 कप चीनी ली है, पीसी भी है, इसको मिक्सी में डाल के पीसा है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून अच्छे से छानना है। छानना जरूरी है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको छान लिया, अब अपन इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अपने को इसमें 1/2 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क मिलाना है। अपने को एक ही डायरेक्शन में इसको घुमा, आप स्पून ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्पैचुला लिया है। अब अपने को इसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस, आप यहाँ पर व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं। अब अपने को 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस मिक्स करना है। अब अपने को लास्ट में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई स्मेल ना हो वो ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। अब अच्छे से अपने को मिक्स करना है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही रखनी है अपने को। अब अपने को इसको नॉर्मल जो तवा होता है, यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब अपने को ये तैयार इस पर डालना है। मैंने पूरा बेस इस पर डाल दिया है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप फैल गया है। अब अपने इसको सिम पर बेक करने रखते हैं। ये मैंने इसको गैस पर सिम पर रखा है, अपने को ये 5 से 6 मिनट हाईएस्ट है, गैस की सबकी अलग अलग फ्लेम होती है, इसलिए आप 5 मिनट बाद चेक करें, अगर बबल हो जाएंगे मैं बताती हूँ अभी, 5 मिनट बाद अपन देखते हैं। अपने 5 मिनट हुए अभी, इसको मैं चेक करके देखती हूँ आपको बताती हूँ। बिल्कुल नाइफ साफ आ रहा है, मतलब ये बैक हो चुका है। अब गैस ऑफ करते हैं, नीचे उतार लें इसको। अब अपने को इसको फॉइल पेपर पर लेना है, इसको एल्युमिनियम फॉइल पे ले लिया। अब अपन को गरम गरम है, अभी ये बहुत गरम है, इसको गरम गरम ही इसको फोल्ड करना है। अभी ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सावधानी से करना, अपने को इसको फोल्ड करना है। अब इसके लिए मोड़ देते हैं। आप इसको या तो फ्रिज में रखें या आप इसको ऐसे ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, तब तक ये इसी शेप में सेट हो जाएगा। अपने स्विच रोल ठंडे हो रहे हैं, तब तक अपन उसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मैदा लिया है, 1/4 कप चीनी ली है, 1/2 कप मिल्क लिया है। अच्छे से यहीं पर मिक्स कर लेते हैं, फिर अपन गैस पे चला। मैंने इसको गैस पे रखा है, अब अपन इसको मीडियम आंच पर पका। एक उबाल आ चुका है, बस ये ऐसी ही पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये तैयार हो गया गैस पर। अपने को इसको एक बाउल में ट्रांसफर करना है। इसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया, अब अपन को इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है, या तो आप प्लास्टिक रैप ले या फॉइल। इसको अपन को टच करते हुए बिल्कुल पैक करना है, ताकि इसके ऊपर पपड़ी नहीं जाए कुछ भी। इस तरीके से नीचे टच करते हुए पैक करके फिर इसको ठंडा करना। अपन को आइसिंग का नेक्स्ट स्टेप,
मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लगभग बटर लिया है। अब अपन को इसको बीटर से बीट करना, या आप विस्कर से करें या फोक से करें। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। इसको बीट करते हैं फ्लफी होने तक। अपना बटर अभी मेल्ट हो रहा है, तो अपन इसके नीचे ये आइस क्यूब के नीचे इसके ऊपर रखें, फिर अपन बीट करते हैं। गर्मी बहुत होने के कारण ये बटर मेल्ट हो रहा है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। ये मैंने 2 मिनट बीट किया। आप देख सकते हैं बटर का कलर भी चेंज हो गया है और फ्लफी भी हो गया। अभी 2 मिनट इसको और करेंगे अपन। मैंने यहाँ पर बटर नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया, रूम टेम्परेचर। आप भी रूम टेम्परेचर का ही ले लें। अपनी अपना ये भी ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम ये हो गया ग्रेवी जैसा। अब अपने को इसको एक एक चम्मच इस ये जो अपन ने बटर बीट किया था उसमें डालना है। एक एक चम्मच डालते जाएं और बीट कर। दो मिनट और बीट करना है। ये आप देख सकते हैं अपनी थोड़े से बटर से एकदम परफेक्ट आइसिंग तैयार हो गई। अब अपन इसमें वनीला आइसिंग की 6-7 ड्रॉप डालेंगे। एक बार और बीट करना फाइनल। ये अपनी आइसिंग तैयार होगी। आप इसको केक सजाने के लिए, पुडिंग में, किसी में भी आइसिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीट करना शुरू किया, उसके बाद थोड़ी देर में ही मैंने यहाँ पर आइस वाटर, आइस क्यूब रखा। अभी तक आइस क्यूब के नीचे ही ये रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए अपने को इसके नीचे ये आइस कोट नीचे रख के ही अपने को बीट करना है। अब अपना ये स्विस रोल भी ठंडा हो गया। अब अपन इसको खोलते हैं। बहुत सावधानी से इसको खोलना है। बहुत ही सावधानी से इसको हटाना है अपने को। फिर अपने को इसको फोल्ड करके वापस अपने को इसी के ऊपर ले ना, खुल गया। इसको खोलने में बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको धीरे धीरे खोले। और फिर अपन इसमें जो आइसिंग तैयार करी थी वो अप्लाई करेंगे। इसको स्पैचुला से एकदम स्प्रेड कर दे रहे। मैंने यहाँ पर ये आइसिंग यूज करी, आप चॉकलेट मेल्ट करके वो भी लगा सकते हैं इस पर। अब अपने को इसको फोल्ड करना है। पहले इसको हल्के हाथ से करना है। आप इसको साथ में ये भी ले लें, हल्का दबाना है, फिर वापस फोल्ड करना है, फिर हल्का दबाना है, फिर इसको अपन को ऊपर लेके इसको फॉइल के साथ ही फोल्ड करना है वापस, फिर इसको पैक करके वापस इसको अपने को फ्रिज में रखना है 1 घंटे के। अपना स्विस रोल सेट हो गया। मैंने इसको रात भर छोड़ दिया था, आप इसे 2-3 घंटे में निकाल सकते हैं। अब अपन इसको खोलते हैं। हटा देते हैं। देख सकते हैं इतना सुपर सॉफ्ट। इसमें आप शार्प नाइफ लें और धीरे धीरे ही कट करें।
मैंने इसको फ्रीजर में नहीं रखा था, फ्रीज में ही सेट होने के लिए रखा था। आपको जल्दी चाहिए तो आप फ्रीजर में रख सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। बाजार से भी अच्छा, टेस्टी और हेल्दी, अपना घर के सामान से बना हुआ स्विस रोल। अब अपन इसको, ये मैंने किसी भी चीनी लिए है, बाजार में आता ना इस तरीके से सर्व करा हुआ, तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में अपना सुपर सॉफ्ट और टेस्टी स्विस रोल तैयार है। स्विस रोल बनाते समय अपने को ध्यान रखने योग्य बात है कि जब अपन इसको बनने के बाद फॉइल में फोल्ड करें तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि उस समय गर्म होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, और वापस खोलते समय में ही उतनी ही सावधानी रखनी है। बाकी ये बनाना बहुत आसान है, बहुत थोड़े समय में बन जाएगा। ये मुझे समय लगा वीडियो बनाने में, वरना जब आप घर पर बनाना ट्राई करेंगे ना, बहुत ही 5-6 मिनट में तो ये बैक हो जाता है और आइसिंग तैयार झटपट हो जाता है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।